प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना गोरखनाथ बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि गोरखनाथ थाना 17.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो कि पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें थानाध्यक्ष, वरिष्ठ उप निरीक्षक व महिला हेल्प डेस्क के लिए अलग से रूम बनाया गया है। इसके साथ ही जो कि कैदी हैं उनके लिए आधुनिक लॉकअप व शौचालय की व्यवस्था है, जो कि पूरी तरह से मॉडर्न है। और थाने में मालखाना, शस्त्रागार, पानी पीने के लिए RO मशीन लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से CCTV से लैस है। फरियादियों के बैठने की व्यवस्था व रिसेप्शन भी बनाया गया है। यदि किसी को किसी तरह की पूछताछ करनी है तो वो रिसेप्शन पर पूछताछ कर सकता है। थाने में एक बहुत बड़ा सभागार बनाया गया है, जहां पर थाने के सभी स्टाफ एक साथ बैठ करके मीटिंग भी कर सकते हैं। और थाने के आरक्षियों के रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। उनके वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सोमवार को किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत विभाग के अवर अभियंता PN यादव ने कहा, में विद्युत सप्लाई की 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली जो हाइडल से आती है, उसके बाद से यदि हाइडल की व्यवस्था फेल हो जाती है तो यहाँ DG सेट लगे हुए हैं। पहला DG स्टार्ट होता है लोड के अकॉर्डिंगली, यदि लोड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा DG स्टार्ट होकर के सिंक करके पूरी व्यवस्था को सप्लाई देता है। जितना भी लोड हो उस लोड के अकॉर्डिंगली यहाँ DG लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस भवन में सोलर की व्यवस्था, 100 kW सोलर की व्यवस्था की गई है, जो विद्युत भार को कम करने में कारगर होगा। जहाँ तक हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ताकि बाकी एक्सटर्नल व्यवस्था पे लोड कम पड़ सके, और वो व्यवस्था सोलर की व्यवस्था की वजह से हमारे बिजली का बिल भी काफ़ी कम आएगा। इसके अतिरिक्त हर जगह पे इमरजेंसी UPS लगे हुए हैं, ताकि इस थाने की व्यवस्था किसी भी तरह से कट ना पाए, बिजली की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त ऑफिस और जितने ऑफिसेज हैं सारे फुली एयर कंडीशनड ऑफिस हैं। लिफ्ट की व्यवस्था है, 4 लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त CCTNS रूम है, मीटिंग हॉल के अंदर प्रोजेक्टर अन सारी चीज़ें हैं, जिससे आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, किसी भी तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा दे सकते हैं। इनके अलावा इस पूरी व्यवस्था के अंदर सेंट्रलाइज नेटवर्किंग है, आप किसी भी कमरे से, कंप्यूटर से दूसरे कमरे के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और भी अन्य कई सुविधाएं हैं, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।